मैं अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज, जहां हम लेकर आते हैं देश व दुनिया की तमाम अहम व छोटी बड़ी खबरें। लेकिन खबर दिखाने से पहले हम आपसे निवेदन करेंगे, लॉकडाउन का पालन करें, प्रशासन का सहयोग करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें। अब एक नजर खबरों की तरफ। लॉकडाउन को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया विशेष ध्यान। गंगा दशहरा के अवसर पर सैदपुर के घाटों पर भी नहीं दिखी भीड़। लॉकडाउन के दौरान किसी भी धार्मिक स्थलों पर भीड़ एकत्र ना हो, इसके लिए पुलिस प्रशासन का चाक चौबंद दिखी। वैश्विक महामारी कोरोना को मद्देनजर प्रशासन ने सभी घाटों पर महिला कांस्टेबल सहित पुलिस फोर्स तैनात किया गया, जिससे भीड़ एकत्र ना हो पाए। गंगा दशहरा के अवसर पर स्नान करने व सार्वजनिक रूप से कहीं पर धार्मिक कार्यों पर प्रतिबंध है। हमारे संवाददाता गाजीपुर से मोहम्मद इसराइल की रिपोर्ट। Green screen. Subscribe now. ये सब है जो कि आज पूरी दशहरा के अवसर पर पूरा सुन सम New Green screen. Subscribe now. नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। सैदपुर कोतवाल का हुआ स्थानांतरण। उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के अंतर्गत सैदपुर कोतवाल श्री श्यामजी यादव का रात में कप्तान डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह द्वारा कर दिया गया स्थानांतरण। और श्री अरविंद भूषण मौर्य होंगे सैदपुर के नए कोतवाल। कुछ माह पहले ही इन्हें सैदपुर में स्थानांतरण हुआ था। इन्हें कुछ और समय मिलना चाहिए था। वैश्विक महामारी कोरोना में बगैर पुलिस बल का प्रयोग किए स्थिति को नियंत्रण किए थे, जिससे लोग पुलिस को मित्र समझने लगे थे। कोतवाल साहब के मृदुभाषी व मिलनसार व्यवहार कुशलता के चलते ही लाखों रुपए का सहयोग लोगों द्वारा थाना के सुंदरीकरण में दिया गया था। वहीं सैदपुर नगरवासियों ने विदाई समारोह को आयोजन किया, जिसमें नगरवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ऑफिस पुलिस विभाग में बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। क्षेत्र अधिकारी महिपाल पाठक, कस्बा इंचार्ज सुनील कुमार दुबे, मनीष जायसवाल, सोनू जायसवाल, डिंकू गुप्ता, शुभम जी, किशन जायसवाल, पंकज जायसवाल आदि लोग मौजूद रहे। सैदपुर से हमारे संवाददाता मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। लखनऊ बैराज मार्ग में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को मारी ठोकर, मौके पर हुई मौत। पकरपुर थाना क्षेत्र के परले सुगर फैक्ट्री के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को पीछे से मारी ठोकर, जिसमें मोटरसाइकिल सवार राहुल पुत्र भानु प्रकाश उम्र लगभग 22 साल ठोकर के बाद ट्रक के नीचे आ गया, जिसके कारण राहुल की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक जनपद फतेहपुर ग्राम सेमौर थाना गाजीपुर का निवासी था। पकरपुर थाना क्षेत्र में खाली पतपुर में जमीन खरीद कर अपना फार्म बनवा रहा था। अचानक किसी कार से घर से बाहर निकला ही था कि हादसे का शिकार हो गया। पीछे से आ रही 112 PVR संख्या 1541 घटना के बाद भाग रहे ट्रक चालक को मौके से हेड कांस्टेबल दिनेश मिश्रा व ड्राइवर संदीप भाग रहे चालक को पकड़ा। सूचने पर पहुंचे पकरपुर अशोक SP त्रिपाठी राघवेंद्र साहिब, वीरेंद्र मौर्य, सुधीर यादव, त्यागी वर्मा व ट्रक के नीचे दबे भान प्रकाश को बाहर निकालकर एम्बुलेंस से भिजवाया गया। हमारे संवाददाता राजीव कुमार सिंह की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। आम जनमानस द्वारा लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई जा रही है धज्जियां। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर के सैदपुर नई सड़क त्रिमुहान सब्जी मंडी रोड सैदपुर से, जहां पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर सैदपुर पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए 10 वाहनों का चालान भी किया गया। इस दौरान वाहन का ई पास, मास्क, डबल सवारी का भी जांच कर कार्रवाई की जा रही है।
और इसके साथ ही लोगों को वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। इस मौके पर चौक इंचार्ज सुनील कुमार दुबे उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता गाजीपुर से मोहम्मद इसरार की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं उस्मान अंसारी और आप देख रहे हैं यूपी लाइव 100 न्यूज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की छोटी बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के जनपद हरदोई में बैंक ऑफ इंडिया शाहबाद में अधिकांश खाता धारकों का आधार लिंक ना होने से हो रहे खाता ब्लॉक। हर दिन बैंक के बाहर भारी भीड़ 2 बजे रात जमा हो जाती है। पैसा निकालने के लिए 10-10 घंटा भीड़ खड़ी रहती है, जिनमें महिलाएं व बच्चे भी शामिल होते हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए लगे थाना कोतवाली शाहबाद के 3 से 4 पुलिसकर्मियों का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए लगातार पसीना बहाना पड़ता है। अभी तक बैंक में बड़ी भीड़ का एकमात्र कारण उपभोक्ताओं द्वारा उनके खातों में आधार का लिंक ना होना बताया जा रहा है। खाताधारकों ने यह भी बताया कि हम लोगों के खाते ग्राहक सेवा केंद्रों पर शो नहीं होते हैं, जिस कारण हम लोगों को मुख्य शाखा पर पैसा निकालने के लिए अच्छी तो बैंक में क्या बताया आपका? उपभोक्ताओं ने अपने खातों को आधार से लिंक करवाने क्या बता रहे हैं मांग की है। बाहर पैसा नहीं निकलता आपका? बाहर बाहर आधार नहीं लगा है? आधार लगो तो यहाँ फेड कराने क्या कहते हैं? करते नहीं तो काम ही नहीं करते। बैंक में क्या बजाएंगे? 4 बजे। तो आज ही आए कि हर बार यही काम होता है? तो क्या कहते हैं बैंक में, क्या कहते हैं आपसे? तो बाहर से आपका पैसा निकलता है नहीं? क्यों आधार नहीं लगाया? जाने नहीं देते हैं। रोज आते हो? काम नहीं होता इस बैंक में? अच्छा, बाहर पैसा नहीं निकलता है आपका? क्यों? और बैंक में आधार लगवाओ, लगवाया नहीं आपने? अच्छी, मतलब कोई काम नहीं करते यहाँ? तो रोज आती हैं दौड़ के? रोज आती हैं? तो आपका पैसा निकला या नहीं निकला? यहाँ क्या बता रहे हैं अंदर?